हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड के बारे में। तो नियमतः नोटपैड को कैसे ओपन किया जाता है या किसी भी प्रोग्राम को, उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन में आना है। स्टार्ट बटन में आने के बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में आ जाना है। ऑल प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ से आपको एसेसरीज में चले आना है। एसेसरीज में जैसे क्लिक करेंगे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी प्रोग्राम इंस्टॉल होता है वो सभी के सभी यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, नोटपैड का चयन कर लेना है। अगर नोटपैड आपका भी ऐसे ही हाफ विंडो में खुलता है तो यहाँ से आप इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे इस तरीके से। तो जैसे ही मैक्सिमाइज करेंगे आपको पूरे स्क्रीन में ये दिखाई देने लगता है। तो नोटपैड के परिचय के बारे में बात करते हैं। नोटपैड एक सिंपल टाइपराइटर होता है। इसमें सिंपल लेटर को लिखा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया जा सकता। नोटपैड सिंपल टाइपराइटर होने के साथ साथ इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे HTML, जावा आदि को भी बहुत ही आसानी से इसमें लिखा जा सकता है। नोटपैड का विस्तारा नाम होता है .txt। नोटपैड में आप किसी भी एक्सटेंशन के साथ उसकी डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। ये रहा नोटपैड का परिचय। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसके इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट आपको ब्लू कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये जो होता है टाइटल बार होता है नोटपैड का, और ये सेकंड वाली पट्टी जो होता है मेनू बार होता है। नोटपैड में टोटल 5 मेनू पाए जाते हैं। पहला होता है फाइल मेनू, दूसरा एडिट मेनू, तीसरा जो होता है फॉर्मेट मेनू होता है, और चौथा होता है व्यू मेनू, और पांचवा होता है हेल्प मेनू। और यहाँ पे जो आपको वाइट एरिया दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। ये जो खाली जगह होता है इसको वर्क स्पेस कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपको 3 बटन दिखाई देंगे। ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज होता है, और ये क्लोज बटन होता है। तीनों को एक साथ जो है कंट्रोल बटन कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फाइल मेनू के बारे में।